नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन ते। प्यारे बच्चों, जिवें कि तुहानू पता है कि 31 मार्च नूं कंडक्ट होण जा रहा है प्लस टू क्लास दा इकनॉमिक्स दा पेपर, ते इस पेपर दी तैयारी नूं ध्यान विच रखदे होए आपां इकनॉमिक्स दीआं क्लासां शुरू कीतीआं होईआं हैं। ते अज जिहड़ा आपां पढ़ांगे बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है जिहड़े ओह इहदे विच अज दी वीडियो दे विच कवर करांगे। हाँ जी, इस टॉपिक अज दे टॉपिक जिहड़े आ आपां उहदे विच आपां सब तों पहलां बचत बारे पढ़ांगे, फिर आपां निवेश बारे पढ़ांगे, ठीक है जी। उस तों बाद आपां संतुलन अर्थव्यवस्था दे विच जिहड़ा संतुलन है उहदीआं किस्मां किन्ने प्रकार का हुंदा है, ते उस तो बाद आपां बेरोजगारी बारे पढ़ांगे, ठीक है जी। आज जो टॉपिक है आपां ये कवर करने हैं, ते मैनूं लगदा अज दे टॉपिक तो तुहानूं भी 10 नंबर दा जिहड़ा कम है वह कवर होएगा, ठीक है जी। हाँ जी, अज दी वीडियो जिहड़ी शुरू करन तों पहलां प्यारे बच्चो, जिहड़ा इस वीडियो का लिंक अपने यारां दोस्तां मित्रां विच शेयर कर दिओ, तां जो वध तों वध जिहड़े बच्चे आ इस वीडियो तो जिहड़ा लाभ प्राप्त कर सकन। हाँ जी, शुरू करांगे जी बचत तों। सब तों पहलां बचत की है, ठीक है जी। लिखांगे जी आमदन दा ओ हिस्सा, आमदन दा ओ हिस्सा जो उपभोग ते खर्च नहीं किता जांदा नूं बचत कहा जाता है, ठीक है जी, सेविंग कहा जाता है। हाँ जी, उस तों बाद जिहड़ा अगला सवाल जिहड़ा बनता है वह है जी बचत फलन जा बचत प्रवृत्ति की है। हाँ जी, सिंपल साधारण शब्दों लिखांगे बचत अते आमदन दे संबंध नूं बचत फलन जा बचत प्रवृत्ति कहा जाता है, बचत प्रवृत्ति कहा जाता है, ठीक है जी। एक नंबर च अक्सर ही सवाल पूछा जाता है भी फार्मूला की है, सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है जी। यानी कि जिहड़ा बचत है वह आमदन का फलन है, ठीक है जी। जिनी आमदन वध होएगी उन्नी ही जिहड़ी सेविंग है वह वधेगी, क्लीयर हो गया, यानी कि सीधा संबंध पाया जाता है। हाँ जी, उस तो बाद आपां नैक्सट पढ़ांगे जी बचत प्रवृत्ति दीआं किस्मां, बचत प्रवृत्ति दीआं किस्मां। हाँ जी, बचत प्रवृत्ति दीआं भी दो किस्मां होंदीआं, जिवें उपभोग प्रवृत्ति दीआं होंदीआं, ठीक है जी। जिहड़ी सब तो पहली है वह है जी अपने कोल औसत बचत प्रवृत्ति, जिन्हों आप एवरेज, ठीक है जी, परपेंसिटी टू सेव कह देंगे। तो दूसरे पासे अपने कोल जिहड़ी है वह है सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है जी, बचत प्रवृत्ति, ठीक है जी, जिन्हों आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहेंगे। हाँ जी, इन्हों आप लिखांगे जी ए पी एस। हाँ जी, ये जो फार्मूला है वह है जी एस बाय वाई, तो इधरले पास इन लिखांगे एम पी एस, तो यदा फार्मूला है जी डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। हम गल करते हैं डेफिनेशन किवें लिखांगे, आप लिखांगे जी औसत बचत प्रवृत्ति, जी औसत बचत प्रवृत्ति है वो बचत अते आमदन का की है जी अनुपात है, ठीक है जी। लिखांगे औसत बचत प्रवृत्ति कुल बचत अते कुल आमदन का अनुपात है। मैं कल भी दस्या सी जिहड़ी लाइन हुंदी है अपने कोल ए अनुपात वाली लाइन हुंदी है, ठीक है जी। ते इस तो की पता लगता है, इस तो पता लगता है कि आमदन दे एक निश्चित पद्धर ते किन्नी बचत की जाएगी, ठीक है जी। दूसरे पास आप चलते हैं जी सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये डेफिनेशन किवें लिख सकते हैं आप, सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है जी। हाँ जी, बचत विच परिवर्तन, बचत विच परिवर्तन, जिहड़ा डेल्टा शब्द है वह परिवर्तन या तब्दीली का सूचक हुंदा है, अते थले अपने कोल दित्ता होया आमदन, अते आमदन विच परिवर्तन दा अनुपात है, ठीक है जी। ये अपने कोल इहदा बनदा है। ते होर जिहड़ी गल ध्यान विच रखण वाली यह है कि अपनी वह है जी फार्मूला, वह ध्यान रखना है ए पी सी ते ए पी एस दा जिहड़ा जोड़ा एक हुंदा है, ते इधरले पास ध्यान जी आप गल रखनी है वह है जी एम पी सी ते एम पी एस का जोड़ भी एक हुंदा है, ठीक है जी। ये बेस्ड छोटे छोटे सवाल बनते हैं जिहड़े कि आप पिछली जी वीडियो दे विच आप कर चुके हैं, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, उस तो बाद चलते हैं जी अपने अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वह है जी निवेश, ठीक है जी, निवेश जिन्होंने आप अंग्रेजी में इनवैसटमेंट कह दें। हाँ जी, ये किवें लिखांगे, निवेश की है। सब तो पहला निवेश पूंजी स्टाक विच
पूंजी स्टॉक, पूंजी स्टॉक का मतलब की है प्लांट मशीना, ठीक है जी, उद्योग, ठीक है, ये सारी चीजें लवेंगे दे विच पूंजी स्टॉक विच आने वाले वादे नू निवेश कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, निवेश नू ही, निवेश नू ही पूंजी निर्माण कहा जाता है। ठीक है जी, पूंजी निर्माण, ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। ये तुम्हें लगता है क्लियर हो गया हूं ना, निवेश विच निवेश नू ही पूंजी निर्माण कहते हैं। हाँ जी, हुण जिहड़ी इहदी महत्ता की गल करते हैं, की महत्ता है। सब तो पहला एक गल ध्यान रखनी है भी निवेश विच जिहड़ा वाधा है वो किसी देश दे आर्थिक विकास का सूचक है। ठीक है जी, देश के आर्थिक विकास का सूचक है। क्यों सूचक है? क्योंकि निवेश जे वधेगा, ठीक है जी, निवेश दे विच जे वाधा हो रहा है उसका नतीजा की होएगा? उत्पादन वधेगा, क्योंकि नवीं फैक्ट्रियां लगनगियां, नवे प्लांट लगनगे, उत्पादन वधेगा। ठीक है जी, ते रोजगार वधेगा, रोजगार वधेगा। ठीक है जी, रोजगार वधेगा तब बेरोजगारी घटेगी। ठीक है जी, लोगों की इनकम है जी वो वधेगी। ठीक है जी, प्रति व्यक्ति आमदन वधेगी, आप कह सकते हैं प्रति व्यक्ति जी आमदन है वो वाधा होएगा। हाँ जी, ते लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन का जो स्तर है, जीवन शैली है, वो भी सुधार होएगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जी एक देश के आर्थिक विकास का सूचक होंगे। ठीक है जी, हम एक गल ध्यान रखनी है जी मेन है, जो भी निवेश में वाधा होएगा तो उत्पादन से रोजगार जरूर वधेगा। जे ना तो उत्पादन वध रहा ना ही रोजगार वध रहा तो उन्होंने आप निवेश नहीं कहेंगे। सपोज करो भी ये है वो कोई फैक्टरी सी, वो कोल की सी कोई फैक्टरी सी, ठीक है जी, वो फैक्टरी उन्हें बी परसन को बेचती। ठीक है जी, पहला मालक कौन सी? ए। हुण उस फैक्टरी का मालक कौन हो गया? बी। की ये नाल निवेश होया? की निवेश में वाधा होया? जी देखो ध्यान नाल, बी को फैक्टरी चली गई, हुण बी फैक्टरी चलाएगा, की ये उत्पादन वध रहा है, रोजगार वध रहा है? नहीं, ना तो ये उत्पादन वध रहा है ना ही रोजगार पैदा हो रहा है। एक ही चीज़ है, फिर इन आप ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कह देने हैं। की हो गया? मलकियत का तबादला हो गया, पहला मालिक ए सी, हुण हो गया बी। ठीक है जी, जनू आप कह देने हैं जी वित्तीय निवेश कह देने हैं, कागजी निवेश कह देने हैं, भी कागजा के बी ने निवेश करता, प्रैक्चुअल के निवेश नहीं, क्योंकि ना तो ये उत्पादन वध्या ना ही रोजगार वध्या। ठीक है जी, ध्यान रख लेना जी। हाँ जी, उस तो बाद निवेश दियाँ जड़ियाँ किस्में वो चलते हैं। सब तो पहली जी आप किस्म पढ़ा, ठीक है जी, वो आप पढ़ा जी स्वै चलित, जिन्हों आप स्वतंत्र निवेश कह दें, ठीक है, अंग्रेजी में इन्हों आप आटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कह दें। हाँ जी, तो ये बारे सीख देखा भी कि होंगे। ठीक है जी, सब तो पहला ये निवेश आमदन अते लाभ की दर से निर्भर नहीं करता। ठीक है जी, पहली गल। नंबर दो, ये निवेश सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, हाँ जी, कि स्थितियां जो कि हालातों के किया जाता है? तो ये मंदी की स्थिति को दूर करने किया जाता है। ठीक है, मंदी की स्थिति को दूर करने सरकार द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, इस निवेश की जी आप डायग्राम बनाइए तो किस तरह डायग्राम बनेगी, चलते हैं। ठीक है जी, इधरले पासे अपने को आ जाएगा जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, निवेश इधर आप वाई जीरो तो एक्स। ठीक है, इधर आ जाएगा रेट ऑफ प्रॉफिट या इनकम, आमदन या रेट ऑफ प्रॉफिट, लाभ भी की दर है। ठीक है जी, या अमाउंट ऑफ इनकम, आमदनी मात्रा। हाँ जी, जरा स्वैच चलित स्वतंत्र या आटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की जो डायग्राम है इस तरह बनेगी। आ हो गया जी अपने को इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, आमदन वधी जाए, पहला मान लो आमदन इन्नी हो रही है, वध के इन्नी होगी। ठीक है जी, एदा निवेश से कोई प्रभाव नहीं पिया, निवेश पहला जिन्ना ही स्थिर है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। दूसरी जी टाइप आप वो है जी प्रेरित निवेश। हाँ जी, प्रेरित निवेश है जड़ा
इनू आप इंड्यूस्ड इनवैसटमेंट कह दें। हाँ जी, ये कड़ा इनवैसटमेंट हों जी? हाँ जी, सब तो पहला ध्यान रखना है ये निवेश है जोड़ा आमदन अते लाभ दी दर ते निर्भर करता है। दूसरा जी गलतियाँ रखनी है, ये निवेश आम तौर पर निजी लोकां जा निवेशकां द्वारा किया जाता है। तीसरी गलती याद रखनी है, ये मंदी तेजी की स्थिति में निवेश किया जाता है। ठीक है जी, कड़ी स्थिति में किया जाता है? तेजी की स्थिति में। ठीक है जी, तेजी की स्थिति में निवेश किया जाता है क्योंकि तेजी की स्थिति के लाभ भी ज़्यादा होता है तो आमदन भी वध मिलने की आस होती है, तो उस स्थिति के जो प्रेरित निवेश है वो किया जाता है। जो गल करिए डायग्राम की, तो डायग्राम किस तरह बनेगी? हाँ जी, इधरले पास निवेश आ जाएगा अपने को। ठीक है जी, प्रेरित निवेश लिख लो जो कला निवेश, थले अपने को आ जाएगा इनकम आमदन की मात्रा या लाभ की दर। क्लीयर हो गया? ओ इतने आ जाएगा अपने को एक्स, इतने आ जाएगा अपने को वाई। क्लीयर हो गया? ये जो निवेश है यदि शेप इस तरह बनेगी इनवैसटमेंट की। ठीक है, आमदन घट हो रही है तो निवेश घट हो रहा है। ठीक है, आमदन बढ़ गया पहला नालों ज़्यादा होगी तो निवेश भी ज़्यादा हो गया। इस तरीके से बनेगी शक्ल पिक्चर की डायग्राम, तो मैंने लगता तुम्हें समझ आ गया होगा। नैक्सट चलते हैं जी अपने को तीसरी टाइप से निवेश की, जी तीसरी टाइप जी अपने को आती है उदे विच आपां सरकारी निवेश। ठीक है जी, ये कड़ा हुंदा? ये सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, उन्होंने आपां की कह दिंदे हां सरकारी निवेश। ठीक है जी, जिवें कि आपां पढ़ के गए हैं स्वतंत्र निवेश। ठीक है, हाँ जी, ये निवेश जिहड़ा सरकार करती है लोक भलाई लई। ठीक है, लोक भलाई के लिए ये सरकार द्वारा निवेश किया जाता है। ठीक है जी, जा जनतक जनतक सेवावां जा लोक सेवावां प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिवें स्कूल खोलते, होस्पिटल खोलते, सड़क बनाती, इस तरह का निवेश है। ठीक है जी, लाभ प्राप्त करना इहदा उद्देश नहीं हुंदा गा। उस तो बाद दूसरा है जी अपने को अगली टाइप है वो निजी निवेश, जिहड़ा निजी जां प्राइवेट निवेश है। ठीक है जी, ये निवेश है जिहड़ा आम उद्यमियां, ठीक है जी, ज गैर सरकारी उद्यमियां, गैर सरकारी संगठन जा उद्यमियां जा निवेशकों द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, ये लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य नाल किया जाता है, जिवें कि प्रेरित निवेश आप पिछे पढ़ के गए हैं। ठीक है जी, मुख्य उद्देश्य की होंगे इहदा लाभ प्राप्त करना होंगे। ठीक है जी, पर यह लाभ के नाल नाल कई बार ये लोक भलाई भी की जाती है। ठीक है जी, जनतक भलाई भी नाल हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना निजी निवेश की होंगे। हाँ जी, उस तो बाद जी अगली अपने को है जी पॉइंट नंबर 5 संभावित निवेश। ठीक है जी, संभावित निवेश है जोड़ा इस आप एक्स एंड इनवैसटमेंट कह दें। ठीक है जी, ये कड़ा निवेश है? ठीक है जी, ये किसी निश्चित समय के दौरान किसी निश्चित समय के दौरान, ठीक है जी, जिन्ना निवेश करन दी योजना, ठीक है जी, बनाई जाती है, ये योजना बनाई गई है जबकि हाले निवेश करना बाकी है। ठीक है जी, इस नूं की कह दिंदे आ नूं संभावित निवेश कह, संभावित निवेश कहा जाता है। ठीक है जी, क्लीयर हो गया? इसनों आप इच्छुक निवेश भी कह देंगे, इसे नूं की कह देंगे आप इच्छुक निवेश भी कहा जाता है। ठीक है, इच्छुक निवेश भी कहा जाता है। क्लीयर हो गया? हाँ जी, उस तो बाद आप पढ़ना है जी वास्तविक जा असल निवेश, वास्तविक जा असल निवेश। ठीक है जी, ये कौन सा निवेश है जी? हाँ जी, इनू आप एक्स पोस्ट इनवैसटमेंट कह देने। हाँ जी, कौन सा निवेश है? किसी निश्चित समय के दौरान, किसी निश्चित समय के दौरान, ठीक है जी, असल विच
असल विच जिन्ना निवेश किता जांदा है नू वास्तविक जा असल निवेश कहा जाता है। ठीक है जी, एक उपर तो आप योजना बनाई सी पर इतने निवेश आप कर दिता है, क्लियर हो गया। यू आप कहे गैर योजनाबद्ध निवेश भी कहा जाता है, ध्यान रख लो। इनू अन इच्छुक उपर वाले इच्छुक निवेश से, ये सी अन इच्छुक निवेश, उपर योजना बनाई जाती सी तो आप कहे गैर योजनाबद्ध निवेश भी कहा जाता है। मैं लगता तुम्हें समझ आ गया होगा की चीज़ होंगी ये। ठीक है, उस तो बाद आप पढ़ा निवेश निर्धारित करने वाले तत्व, निवेश निर्धारित करने वाले तत्व। ठीक है, कि फैक्टर है ये, एक जदों उद्यमी या निवेशक निवेश करता है तो वह कि गल् है जिन्हों निवेश करने तो पहला ध्यान में रखता है। हाँ जी, मोटे रूप के दो चीज़ें, पहला है जी ब्याज की दर, ब्याज की दर। ठीक है जी, जिन्होंने आप रेट ऑफ इंट्रस्ट कह देने हैं, इनू आर नाल डिनोट करते हैं, इस चीज़ को ध्यान च रखता है। हाँ जी, जो भी कोई निवेशक है कारोबार से पैसा लगाता है, ठीक है जी, तो पैसा ज़्यादा अपना लगाएगा या बैंक तो लेगा। जे बैंक तो लेगा तो उसनों बैंक को ब्याज भरना पड़ेगा, जे वो अपना लगाएगा तो उसनों अपने पूंजी पर ब्याज का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर वो निवेश जो कारोबार से पैसा लगाता है तो वो देखता है भी उन्होंने कारोबार तो कितना लाभ हो रहा है। ठीक है जी, कारोबार तो कितना लाभ हो रहा है ते किन्ना वो ब्याज का भुगतान कर रहा है बैंक नूं, इन्हां दोहां दी कंपैरिजन करेगा। ठीक है जी, पहली गल ब्याज की दर ध्यान च रखता है, तो दूसरा जो चीज़ है वो ध्यान च रखता है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। ठीक है जी, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, ठीक है जी, जिन्होंने आप अंग्रेजी में मार्जिनल एफिशेंसी ऑफ कैपिटल कह दें, एम ई सी कह दें, इन ध्यान च रखता है जी। ठीक है जी, तो सधारण शब्दों में इनू आप लाभ की दर कह दें, लाभ की दर भी किसी कारोबार से पैसा लगाया तो उतो कि लाभ की दर हो रही है। हम ध्यान दौ इतने सब तो पहला ब्याज की दर यानी कि आर आर का ब्याज की दर का निवेश नाल उल्टा संबंध है। कि संबंध है? उल्टा संबंध है। ठीक है, ब्याज दर जिनी वध होगी, ठीक है जी, निवेश है जोड़ा उन्ना ही की होएगा, घट होएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि बैंक की ब्याज की जर जे ज़्यादा होएगी तो जोड़े निवेशक उद्यमी बैंकों तो घट लोन लैनगे तो घट कारोबार में पैसा लगाएंगे तो निवेश घट जाएगा। हम इधर लाभ की दर का, लाभ की जी दर है, लाभ की दर जा एम ई सी जिन्होंने आप कहे यदा निवेश के नाल, निवेश नाल सीधा संबंध है, सीधा संबंध है। जे एम ई सी वध है तो निवेश भी की होएगा, निवेश भी ज़्यादा होएगा। जे निवेशक को पता है भी इस कारोबार से पैसा लगाने लाभ ज़्यादा प्राप्त होएगा तो वह ब्याज की दर की परवाह नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो वह फिर बैंक तो लोन लैके कारोबार से पैसा लगाएंगे। फिर वो करते की है निवेशक, असल दे विच निवेशक है रेट ऑफ इंट्रस्ट तो एम ई सी की तुलना करते हैं। जेकर ब्याज की दर ज़्यादा है एम ई सी भाव लाभ की दर तो निवेश है जड़ा नहीं किया जाता। ठीक है, निवेश नहीं किया जाता। दूसरी स्थिति है जो ब्याज की दर घट है तो लाभ की दर ज़्यादा है तो निवेश किया जाएगा। तीजी स्थिति है जिथे रेट ऑफ इंट्रस्ट तो एम ई सी बराबर हो जाए तो यह संतुलन की स्थिति हो जाती है। कड़ी स्थिति हो जाती है, संतुलन की स्थिति हो जाती है। अजि स्थिति के भी निवेशक निवेश करेंगे भावें उन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। ठीक है जी, जिन्ना वो बैंक में ब्याज भर रहे हैं उन्ना ही उन्होंने कमाई हो रही है, पर अजि स्थिति में उत्पादन बढ़ रहा है, रोज़गार बढ़ रहा है, तो जोड़े निवेशक है जोड़े जा उद्यमी है वो निवेश करना पसंद करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट है जी अर्थव्यवस्था के संतुलन। ठीक है जी, आप पढ़ना है जी संतुलन। हाँ जी, अर्थव्यवस्था के संतुलन दिन तीन किस्म होंगे, पहला होंगे जी अपने को पूर्ण रोजगार संतुलन। ठीक है जी, तो दूसरा होंगे अपने को अपूर्ण, ठीक है जी, रोजगार संतुलन। ठीक है जी, जिन्होंने आप अंडर फुल एम्पलॉयमेंट इक्विलिब्रियम कह दें। ठीक है, तीसरा जोड़ा होंगे अपने कोल वो होंगे जी अति पूर्ण रुजगार संतुलन। ये तीन टाइप्स का होंगे किसी अर्थव्यवस्था के संतुलन। हाँ जी, तीसरी किस्म है इसको आप कह दें ओवर फुल एम्पलॉयमेंट इक्विलिब्रियम।
ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, संतुलन आपां पहला पढ़ चुके हैं, किसी भी इकोनॉमी का संतुलन कदों हुंदा है, जदों को एग्रीगेट डिमांड ते एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए। ठीक है जी, आपां पढ़िया होया भी एग्रीगेट डिमांड है ये हुंदा जी सी प्लस आई, जबकि एग्रीगेट सप्लाई हुंदा सी प्लस एस। सी नाल सी कैंसल हो जाएगा, यदा मतलब इन्वेस्टमेंट ते सेविंग जदों इक्वल हो जाए उदों भी कि स्थिति होएगी जी, संतुलन की स्थिति होएगी। ठीक है जी, एक स्थिति जी संतुलन की ये शर्त है जी, ध्यान रख लो भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो इक्वल हो जाए या बचत ते निवेश बराबर हो जाए उदो एक अर्थव्यवस्था संतुलन में होएगी। तो संतुलन दी तीन टाइप्स होंगे, आप तिना अगली डायग्राम के समझते हैं। हाँ जी, सब तो पहला आप इतने बनाने जी डायग्राम के देंगे जी आप जीरो एक्स ते वाई। ठीक है जी, हाँ जी, ओ एक्स से आप शो करांगे रुजगार इंप्लायमेंट, ठीक है जी, आमदन, ठीक है जी, उत्पादन का पद्धर लैवल ऑफ आउटपुट, ठीक है जी, उत्पादन लिख लो। तो इधरले पास आप शो करांगे एग्रीगेट डिमांड ते एग्रीगेट सप्लाई। हाँ जी, आपां नूं पता है भी केन्ज दे पॉइंट ऑफ व्यू तो जी एग्रीगेट डिमांड कुछ इस तरीके जाती है, जो तो पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाता है तो उदों इस तरह समान ओ वाई दे समानांतर हो जाती। ठीक है जी, हाँ जी, आप पहली जी टाइप है संतुलन की वह गल कर रहे हैं जी, पूर्ण रुजगार संतुलन की गल करते हैं, ये कि स्थिति है। ठीक है जी, एक ये जी स्थिति की जी डेफिनेशन है वो जो परंपरावादी अर्थशास्त्री है उन्होंने दी सी अपने, ठीक है जी, परंपरावादी जोड़े अर्थ शास्त्री है, ठीक है, जिन्हों के मेल रिकार्डो जे बी से, ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्रियों ने डेफिनेशन दी हुई है। हाँ जी, ये अकॉर्डिंग की है भी संतुलन तो उत्थे होएगा जिथे कुल मांग ते कुल पूर्ति बराबर हो जाए, पर गल कर रहे हैं पूर्ण रोजगार फुल इंप्लॉयमेंट। फुल इंप्लॉयमेंट का जो पॉइंट आ है इतने सारे काम रोजगार मिले, यदा मतलब इस पॉइंट के एग्रीगेट डिमांड है जी निकल के जाएगी। ठीक है जी, इन कहने पूर्ण रोजगार संतुलन। ठीक है जी, ये इस स्थिति में की होंगे है लिखा इस स्थिति, ठीक है जी, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पाया जाता है। की पाया जाता है? पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ठीक है जी, भाव सारे साधन है जोड़े सारे साधना काम प्राप्त हो जाता है, इस स्थिति में कहने जी आप पूर्ण रोजगार संतुलन। हम अगली जी आप पढ़नी है वह है जी अपूर्ण रोजगार संतुलन। वो की है, जदों एग्रीगेट डिमांड इस तरह पूर्ण रोजगार तो घट पद्धर से इस तरह जाए, ठीक है जी, इतने अपने को आ गया जी ई वन पॉइंट। इस स्थिति में आप कहेंगे जी अपूर्ण रोजगार संतुलन। इस स्थिति के की है, आ देखो जी एन पॉइंट टोटल ओ एन कामे से किसी इकोनॉमी के सारे काम मिल गए थे, पर इतने सारे कामों काम नहीं मिले, इतने सिर्फ इन्ने कामों ही काम मिले, ओ एन वन कामों काम मिले, तो इन्ने कामे की हो गए वेले रह गए, एन एन वन कामे है वो वेले या बेरोजगार। फिर एक स्थिति है, एक अजिही स्थिति है, ठीक है जी, जिस अर्थव्यवस्था के बेरोजगारी मौजूद रही है भी कुछ कामों काम मिलता है तो कुछ कामे वेले रेंगे है। ठीक है जी, उस तो बाद एक तीसरी जी सिचुएशन आप पढ़नी है संतुलन की, वह है अति पूर्ण रोजगार संतुलन। इस स्थिति के की होंगे है, जो एग्रीगेट डिमांड है इस तरह उपर होकर जाती है, फुल इंप्लॉयमेंट तो भी उपर होकर जाती है। इस स्थिति में की होंगे, इस स्थिति के जोड़ा रोजगार पूर्ण रोजगार का पद्धर बनया रहा है। देखो जी, ये पूर्ण सारे ओ एन कामों रोजगार मिल रहा इतने, ठीक है जी, इन आप ई टू पॉइंट दे देंगे। इतने की है, संतुलन की स्थिति के सारे कामों रोजगार मिलता है, ठीक है, पर अर्थव्यवस्था के कीमत वधदी है। ठीक है जी, इस स्थिति के की वध जी, ध्यान रखना है कीमत वधदी हैं, क्योंकि अजि इस स्थिति के की है भी उत्पादन वधाना संभव नहीं क्योंकि सारे कामों काम मिल चुक है, तो अजि स्थिति के होगा कीमतों में वाधा होगा। ठीक है जी, हाँ जी, ये आप डेफिनेशन लिखनी है, एक डेफिनेशन आप लिख चुके हैं पूर्ण रोजगार संतुलन, दूसरा आप लिखना है इतने, दूसरा है जी अपने कोल अपूर्ण रुजगार संतुलन। हाँ जी, जिसनों आप इंग्लिश दे विच अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कह दें। सब तो पहला ये डेफिनेशन है जी दी सी कि वो केन्ज ने दी हुई है, ठीक है, कि नहीं दी है, केन्ज ने। दूसरी गल की ध्यान रखनी है आप भी, इस एक अजिही स्थिति है ये जिस विच ठीक है जी अर्थव्यवस्था विच, ठीक है, बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है जी, क्लियर हो गया, भाव सारे कामों काम नहीं मिलता। ठीक है जी, संतुलन की स्थिति में की पाई जाती है, ठीक है जी, इतने लिख दो संतुलन
ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੀ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਤੁਲਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗਿੰਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤਿ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤਿ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਤੁਲਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤੁਲਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਤੁਲਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡੋ ਮਿਲ JBCE, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਤੁਲਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤਿ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਤੁਲਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਾਂ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਜਾਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਛੁਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇੱਛੁਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਛੁਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 400 ਰੁਪਇਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਪਰ ਡੇ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਛੁਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 2, ਅਨਇੱਛੁਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
उसनों काम प्राप्त नहीं हुंदा। इसमें की कहेंगे अपन अनिच्छुक बेरोजगारी, ठीक है जी। वर्तमान मजदूरी की दर से काम करना चाहता है पर उसको काम प्राप्त नहीं हुंदा, उनकी कहेंगे अपन अनिच्छुक बेरोजगारी। क्लियर हो गया, अनिच्छुक बेरोजगारी नू ही बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, ये विच की है, लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध बेरोजगार रहते हैं, काम करने के योग है, वर्तमान मजदूरी की एक दर से काम करना चाहते हैं पर फिर भी उन्होंने काम प्राप्त नहीं हुंदा, ठीक है जी। अगली जी टाइप है अपने को तीसरी, वो है जी संघर्षात्मक बेरोजगारी, ठीक है जी। संघर्ष आत्मक बेरोजगारी, हाँ जी, ये कड़ी बेरोजगारी है, इन्हों आप अंग्रेजी के फ्रिक्शनल अनएम्पलॉयमेंट कह देने हैं, ठीक है जी। तो बेरोजगारी के की है भी, कई बार कच्चे माल की कमी हो जाती है, कच्चे माल की कमी होने कारण, ठीक है, फैक्ट्री बंद हो जाती है तो कुछ लोग कुछ दिनों के लिए वेले हो जाते हैं, तो इस बेरोजगारी में की कहेंगे संघर्षात्मक बेरोजगारी। जा मशीना की टुट भज हो जाती है, मशीना की टुट फुट के नाल फैक्ट्री बंद हो जाती है, लोग वेले हो जाते हैं, तो इन्हों भी आप की कहेंगे संघर्षात्मक बेरोजगारी। जब कुछ लोग है जरा वो की करते, वर्तमान काम छड़ के नवे काम की तलाश के लिए निकल जाते हैं, ठीक है जी। नवे नवे रोजगार की तलाश, ठीक है, पुराना काम छड़ता नवे काम की तलाश लिए चले गए, तो जिन्ना समय तक उन्होंने नवा काम नहीं मिलता तद तक वो वेले रहेंगे, तो इस की कहेंगे अपन जी संघर्षात्मक बेरोजगारी, ठीक है जी। क्लियर हो गया भी, लोगों कुछ लोग अजे होंगे जे अपने पुराने काम तो संतुष्ट नहीं होंगे, इस करके नवे काम की तलाश में होर वधिया काम की तलाश के जाते हैं, ये तीन मुख्य कारण करके संघर्षात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये अल्पकालीन बेरोजगारी है, कुछ थोड़े समय की होंगी है, जो तो कच्चा माल की कमी दूर होगी तो लोगों को कम मिल जाएगा, मशीनों की टुट फुट की रिपेयर होगी तो लोगों को कम मिल जाएगा, जो तो नवा काम मिल गया तो भी जोड़ा है ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। उस तो अगली जी टाइप अपने को है, ठीक है जी। इस सवाल पेपर से ही पूछा जाता है, एक एक नंबर के संघर्षात्मक बेरोजगारी इन्होंने किस कारण करके होंगी है, वो तो मैं कारण लिखाते। अगली है संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है जी। जी संरचनात्मक बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी का जोड़ा मुख्य कारण है वह है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, ठीक है जी। ये बेरोजगारी का मुख्य कारण अर्थ व्यवस्था की संरचना परिवर्तन परिवर्तन, ठीक है जी। जो अर्थव्यवस्था की संरचना से परिवर्तन होता है तो बहुत सारे लोग है वो वेले हो जाते हैं, जिमें देखो पहला की होंगे सी, जो भी आप कोई पटाई का काम करते सी तां बहुत सारे मजदूरों को कईयों के नाल वो पटाई की जाती सी, अजकल जेसीबी मशीन आ गई जिदे करके संरचना परिवर्तन हो गई, ठीक है जी। या फिर ए कह लो भी जोड़े कामे है, ठीक है जी, वो पुराना काम तो जानते हैं पर नवी टनीक आने के कारण उन्होंने नवी टनीक का ज्ञान हासिल नहीं होया, तो जोड़े वो लोग है वो वेले हो जाएंगे, इन कहेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है जी। तो ये तुम मेरे ख्याल समझ आ गया होगा संरचनात्मक बेरोजगारी की होंगी है, भी अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन होंगे है, तकनीक यदा मुख्य कारण आप कह सकते हैं तकनीक में सुधार होना, ठीक है, तकनीकी सुधार कह लेंगे अर्थव्यवस्था के कुछ तकनीकी सुधार हो गए जिदे करके कुछ लोग वेले हो गए, तो जी इस स्थिति में की कहेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। हाँ जी, गल होर जी ध्यान रखनी हो की है भी पूर्ण रोजगार की स्थिति में अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बेरोजगारी पाई जा सकती है, ठीक है जी। बेरोजगारी पाई जाती है जा पाई जा सकती है, वो तो कैड़ी बेरोजगारी है, हाँ जी, ये संघर्षात्मक बेरोजगारी पाई जा सकती है, ठीक है जी, ते संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जा सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है जी, ये पेपर के पूछा गया सवाल है, ठीक है जी, मेरे ध्यान में आ गया तो मैं इतने करवाता भी पूर्ण रोजगार की स्थिति में की कोई बेरोजगारी पाई जा सकती है, तो ज़्यादा बच्चे लगाए होंगे भी उपरोक्त विचों कोई नहीं, भी कोई बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि पूर्ण रोजगार से आप पढ़िया भी एक अजिही स्थिति है जिस सारे कामों को काम मिल जाता है, कोई वेला नहीं रहता, पर अजिही स्थिति के भी कि दो बेरोजगारियां पाई जा सकियां, एक संघर्षात्मक ते संरचनात्मक, ठीक है जी। ध्यान रख लेना जी, ये भी इंपोर्टेंट है। तो अज का जो सैशन आप इतने समाप्त करते हैं, तो अपने अज की वीडियो का लिंक अपने यारा दोस्तों मित्रों जोड़ा है उस फॉरवर्ड कर दियो, ता जो वो तो दोस्त मित्र है इस वीडियो को लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक है जी। धन्यवाद, कल होर एक नवी वीडियो के पेश होवांगे।